हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक लेस स्वीट पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम एग लेस स्वीट पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। इसे कहीं कहीं पे स्वीट चीला भी कहते हैं। तो पैनकेक के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी रावा। रावा हमने बारीक वाला लिया है, शक्कर, दूध, नारियल का बुरादा, कुछ ड्राई फ्रूट, मैदा, तेल, पानी। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो हम पहले इसमें रवा डाल रहे हैं, मैदा, शक्कर। हमने जितना रवा मैदा लिया है उतना ही शक्कर लिया है और ड्राई फ्रूट। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे जिससे गुठली ना पड़े। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें उसी कटोरी से पानी लिए हैं और पानी डालेंगे और इसे भी हम चला चला के मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया सा बेटर तैयार करेंगे। हमने इतना घोल बनाने में 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी डाला है। अभी अपना बेटर पतला है पर आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो पानी डालेंगे, नहीं तो घोल बनकर तैयार है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। क्या हो गया है, अब हम ढक्कन को हटा के और बेटर को मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बेटर गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसमें 2 चम्मच और पानी डालेंगे जिससे थोड़ा ये पतला हो जाए। घोल को जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही बढ़िया चीला बनकर तैयार होगा। तो कम से कम हम इसे 1 मिनट तक कंटिन्यू मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना बेटर तैयार हो चुका है। लेंगे तो गैस पे हमने एक तावा रख लिया है। अब गैस को ऑन कर लेंगे और तावा को गर्म होने देंगे। उस पे हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से फैला लेंगे। अब हम 1 चम्मच घोल लेंगे और तावा पे ऐसे डाल देंगे और इसे हम हल्का हल्का फैला देंगे। और इसे हम एक साइड से ब्राउन होने तक सेकेंगे। नारियल का बुरादा ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर से घोल सूख चुका है। तो हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही ब्राउन करेंगे। हम इस पे थोड़ा सा तेल और डालेंगे किनारे किनारे।
और इधर से भी हम 1 से 1.5 मिनट तक सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। इसे हम 1 से 2 बार ऐसे उलट उलट के सेक लेंगे। इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे और चीले के घोल को ऐसे डाल के और हम राउंड राउंड ऐसे इसको घुमाएंगे। एकदम लाइट हाथ से घुमाना है तो ही बराबर फैलता है। और इसे भी हम 1.5 से 2 मिनट तक सेक लेंगे। उठाएंगे अगर इजी तरीके से उठ जाता है तो समझिए उधर से भी सिक चुका है। तो हम उलट उलट के इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने दूसरा केक भी बना लिया है तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इंग्लिश स्वीट पैनकेक बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।